नमस्कार फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो भी भाई और बहन मेरी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे फास्ट इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप हरियाणा में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी भाई और बहन को अगर डिसीरेट जॉब चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, डिसीरेट जॉब्स होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में पोस्टें निकल कर आती है, वो आप सभी को पता तक नहीं चल पाता। इसलिए आपको अगर डिसीरेट जॉब चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, डिसीरेट जॉब्स में कैसे जॉब लग पाते हैं, पूरा आपको प्रोसेस डिटेल से बताया जाएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें भी आप सभी स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको एक प्रॉफिट होने वाला है 24/7 हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबसे फास्ट सबसे पहले वहीं अपडेट किया जाएगा, और यूट्यूब पर भी, दोनों जगह। इसलिए आपको फॉर्म के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, डिसीरेट जॉब्स, कंपनी रिलेटेड जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ऑल इंडिया जॉब्स, कोई भी दिक्कत हो आप सभी को, तो आप बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में भी या पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा उस चीज़ का। ओके गाइज, आपका टाइम खराब ना करता मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि हरियाणा में डिसीरेट जॉब्स है, वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है बार बार डिसीरेट जॉब्स के लिए, कि अभी जो हरियाणा में 3050 पोस्ट निकल कर आई हैं बिजली विभाग में। वो कौन कौन से सर्किल में निकल कर आई हैं, कहां कहां से कौन से डिस्ट्रिक्ट में डिसीरेट जॉब्स है, वो जो बिजली विभाग है वो लेने वाला है, ये पूरा आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूं, और आपको क्या क्या करना होगा इसमें लगने के लिए आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपको पूरा जरूर से जरूर समझ में आएगा। ओके दोस्तों, इसी टाइप की वीडियो डेली आपको मिले कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट निकल कर आ रही, इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो को बढ़िया नोटिफिकेशन आप सभी को प्रोवाइड हो रहा है तो। ओके दोस्तों, इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो क्या रहने वाली है कि जो बिजली विभाग है हरियाणा में, दक्षिण बिजली विभाग में 3050 जो पोस्ट है वो निकल कर आ रही है डिसीरेट जॉब्स की, तो आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हुए पूरा डिटेल से अभी समझाऊंगा। ओके गाइज, आप वीडियो को देखते रहें। सभी स्टूडेंट को ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा ये कौन से डिपार्टमेंट में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN, ठीक है। ये कब की रिक्वायरमेंट है, 2022 का रिक्वायरमेंट है। ओपनिंग जो डेट है इनकी, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, ये कमिंग सून डाल दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट भी कमिंग सून है, इंटरव्यू डेट भी कमिंग सून है, और इन्होंने पोस्ट है वो अलॉटमेंट कर दी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने डिसीरेट जॉब्स बिजली विभाग में लेने हैं, परंतु अभी डेट इन्होंने फिक्स नहीं किया, इसलिए डेट भी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी आप सभी को सबसे पहले मिल पाए, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहे। जनरल ओबीसी ऑल कैंडिडेट की जो भी फीस है वो उसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी, आपका फॉर्म में 0 रुपए फीस लगने वाला है। ओके गाइज, इसके आगे क्या बता रहा है इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं, एक बार सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज लिमिट में मैं बात करूं तो एज लिमिट इसमें क्या डाल रखी है कि जो भी एज लिमिट होगी सभी स्टूडेंट की, वो 18 से लेके 42 साल तक सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेके 42 साल के सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई करें। और एज रिलेशन की बात है SC ST OBC की, जो गवर्नमेंट जॉब रूल के हिसाब से जो छूट मिलती है वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। ओके, जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं, जो टोटल पोस्ट की मैं बार बार बता रहा हूं कि जो टोटल पोस्टें हैं वो तो मैंने पहले ही आप सभी को क्लियर कर दी थी कि टोटल 3050 पोस्टें हैं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या पोस्टें निकल कर आ रही हैं वो चीज आप सभी को क्लियरली इसमें बताना जरूरी हो गया है। अब इसमें सर्किल के हिसाब से जो पोस्ट अलॉटमेंट कर रखी है कि जो गुरुग्राम में 2 सर्किल बना दिए, गुरुग्राम में सर्किल 1 में ALM की जो पोस्ट है वो 582 अलॉटमेंट की है, और SAS की 7। टोटल गुड़गांव में एक जो सर्किल है उसमें कितने लेने हैं, 589 जो स्टूडेंट है वो डिसीरेट जॉब्स पर लेने हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम में दूसरे सर्किल में 262 तो ALM लेने हैं और SAS 2 लेने हैं, जिसमें 261 टोटल बच्चे लेने हैं। फरीदाबाद में भी बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आ चुका है, गुड अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में, इसलिए ये जो फॉर्म भरने की डेट भी है ये सभी को मिल पाए, क्योंकि पोस्ट तो आपको पता चल गया, अब डेट जो आएगी वो आप सभी को कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए और यूट्यूब पर तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब
कर लें, क्योंकि अगली वीडियो जो हमारी डेट आते ही सबसे पहले सबसे फर्स्ट इसी टाइप को आपको सभी को मिल जाएगी। इसलिए जो भी प्रोसेस होगा आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा। फरीदाबाद में भी आई है डेट। फरीदाबाद में क्या लिख रखा है कि 568 तो एलम लेने हैं और 27 क्या लेने हैं एसएएस, जिसमें 595 तो टोटल पोस्टें लेनी है। नारनौल की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा नारनौल में वैकेंसी आई है डीसी रेट जॉब्स की, जो बिजली विभाग में। नारनौल में कितनी है एएलएम की 431, एसएएस की 194, टोटल कितनी है 625 स्टूडेंट नारनौल से लेने हैं। रेवाड़ी में कितनी है एएलएम के लिए 463, एसएएस के लिए 21, जो टोटल कितनी है 484। पलवल में भी निकल कर आ रही हैं, जिसमें टोटल कितनी है 493, जिसमें एसएएस नहीं है एक भी, और 494 ही टोटल होने वाली है इसमें। जिसमें एलएम के लिए तो 2799 पोस्टें आई है 2800 के लगभग, एसएस के लिए 251 और टोटल 3050 पोस्टें बिजली विभाग में निकल कर आ रही हैं। इसलिए गुड अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट के पास, आप सभी इसको अप्लाई करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रखा है, एएलएम के लिए जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसके लिए क्या मांग रखा है इन्होंने, मैट्रिक पास होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। दूसरा आईटीआई पास होना चाहिए, कितने 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन और लाइनमैन कोई सा भी आपके पास ट्रेड होना चाहिए। ऐसे शिफ्ट जो अटेंडेंस होते हैं उनके लिए मैट्रिक होना चाहिए प्लस में आईटीआई होनी चाहिए 2 साल का, यही इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या लाइनमैन कोई भी आपके पास ट्रेड होना चाहिए। ओके, इसके आगे जो इसमें सैलरी बता रहा है कि सैलरी आपको क्या मिलने वाला है, पहली बात तो अप्लाई कैसे होगा ये फॉर्म, अप्लाई के लिए इसमें साफ साफ लिख रखा है कि ऑनलाइन मोड होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो HKRN है, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल है, इस पर आपका अप्लाई होगा। जॉब लोकेशन मैंने बता दिया, जोन से सर्किल से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे वही आपका जॉब सर्किल होगा। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग योर जो आपकी लिंक है वो अप्लाई करें, पोस्ट डालें उसमें। दूसरा क्या है, नाउ लॉग योर क्रिएट योर अकाउंट, जो आपका HKRN पोर्टल है हरियाणा रोजगार कौशल निगम, जो इस पर आपका रोजगार पोर्टल है इस पर आप लॉगिन करें। एंटर योर बेसिक डिटेल, आपको बेसिक डिटेल डालनी है सारी। एंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, या अपना क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस डालें। स्टेप नंबर 5 में क्या आता है कि अपलोड योर स्कैंड फोटो सिग्नेचर डेट ऑफ बर्थ, डेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है फोटो सिग्नेचर, ये सारी आपको सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट उसमें डालनी होगी स्कैन करके। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, मतलब आपको पूरा प्रीव्यू देखना है फॉर्म भरने के बाद सही है या गलत है, एडिट करना है तो एडिट कर लेना अपना कुछ भी, फिर आपको फाइनल सबमिट कर लेना और प्रिंट आउट निकाल लेना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा वो ऑफिशियल साइट पर HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसके ऊपर चेक करते रहें। और सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात अभी करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आप सभी को बता दूं किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा इसमें। पहली बात तो सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, 15,000 से 40,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। और गो टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें साफ साफ लिख रहा है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, आपका कोई भी पेपर नहीं होने वाला है, आपको ओनली मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस 10वीं और ITI का जो मेरिट बेस बनेगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओनली आपको फॉर्म भरना है और जॉब मिल जाएगी आपको, जिस बच्चे के ज्यादा नंबर हैं उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभी तक आपने को नहीं पता कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से एक ही मैं वो कर रहा हूं, सभी को बेस्ट ऑफ लक बार बार बोल रहा हूं, गुड अपॉर्चुनिटी, आप एक बार इस फॉर्म को भरें, क्या पता आपका सिलेक्शन श्योर हो इस चीज में, आप बेझिझक होकर इस फॉर्म को भरने का कष्ट करें। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि ये गुड अपॉर्चुनिटी कोरोना के टाइम में बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास में। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, और जैसे भी ये डेट आती है फॉर्म भरने की तो इसी टाइप से आपको वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी टाइप की वीडियो आपको डेली इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। साथ में एक चीज और बता देता हूं, ये तो था बिजली विभाग, डेली हमारे चैनल पर हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, कोई भी डिपार्टमेंट हो कहीं से भी, आपको डीसी रेट जॉब्स डेली इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आपको साथ के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म भरने के भी और वैसे भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।